वन फॉर वन। और अब आ गए हैं धाकड़ बल्लेबाज शाहिद भाई, काफी दूर दूर से लोग इनको बुलाते हैं, मैच खेलने लेके जाते हैं और ये मैच वहां पे जिताते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं इस खूबसूरत मैदान में। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ता हुआ ये फ्लाईओवर जिसके नीचे हम खेल रहे हैं। और शाहिद भाई सामना करेंगे राकिब का, राकिब की है बॉल और उसको टैप कर दिया है लेग साइड में, आसानी से निकालते हुए एक रन, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर जारी है और सलमान बल्लेबाजी करेंगे बाएं हाथ के खिलाड़ी हमारे कलीम भाई के साहबजादे। और राकिब की अगेन, फुल टॉस लिया उसे और 1 रन के लिए निकल पड़े, 1 रन आसानी से लेंगे, इसी के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर हो चुका है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर जारी है, 4 रन सॉरी माफ कीजिएगा, और फिर से और अभी का क्या है ये, एक है डी है, अभी का 1 रन है, इसी के साथ स्कोर में इजाफा 5 रन हो चुका है। पहली ओवर अभी भी जारी है, राकिब की ये बॉल राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए और उसको टैप करना चाहते थे, मिस हुए लेकिन फिर भी रन भाग गए, अंपायर का डिसीजन देखना होगा, अपील किया गया है यहाँ पे, क्या ये रन आउट है या क्या ये रन है, अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया है और थर्ड अंपायर ने तुरंत कह दिया कि नॉट आउट। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर लेके आते हुए हमारे जावेद भाई जो कि हमारे इस टूर्नामेंट के, इस आलीशान टूर्नामेंट के, इस लाजवाब टूर्नामेंट के स्पॉन्सर भी है। ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे शाहिद को और इसी के साथ में एक विकेट और गिरा, जबकि इस पे 1 रन भी मिलेगा, ये वाइड गेंद थी, काफी समझदारी से बॉलिंग करते हुए, काफी पुराने खिलाड़ी है, चतुर हैं, काफी एक्सपीरियंस है इनको, जानते हैं कब कहां कैसे बॉलिंग करनी है। ऐसी कुछ बॉलिंग अगर हमारी टीम ने भी किया होता जैसे सूरज ने लप्पे लप्पे मार के 1-1 रन निकाला है तो शायद हम लोग भी वो मैच जीत सकते थे, शायद हमारा भी खाता खुलता, लेकिन कोई बात नहीं, हम 0 पे हैं कोई बात नहीं, अभी भी 2 मैच हमारे हाथ में है और लेग साइड में 1 रन मिलेगा इस गेंद पे। दरवाजा जो कि हमारे यहाँ पे काफी हुनरमंद लोगों ने एक तरफ का दरवाजे का गेट जो है उखाड़ के लेके जा चुके हैं। और एक और वाइड गेंद जावेद भाई काफी जोश में आते हुए हैं, उम्र का तकाजा है कि वो धीरे धीरे बॉलिंग करें, काफी वजन बढ़ा दिया है उन्होंने, काफी पतले हुआ करते थे किसी जमाने में लेकिन अपने रंगून का ही इतना जायका लिया उन्होंने कि हर तरफ 5-5 किलो बढ़ गया है। और ये अच्छा शॉट वहां पे बाउंड्री पे बॉल गया अजीज की फील्डिंग वहां पे, लेकिन तब तक 1 रन निकालने में कामयाब हुए और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन हो चुका है। और अच्छे से टैप कर दिया उसको 1 रन के लिए, इसी के साथ स्कोर में इजाफा 12 रन हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर जारी है, 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर में, काफी लंबा ओवर डालते हुए जावेद भाई, उनको पानी दिया जाए इतनी। और ये वाइड बॉल, सलमान काफी समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए, और एक और वाइड गेंद, अपील की गई है लेकिन तब तक आ चुके थे सलमान अपने क्रीज में, इसी के साथ स्कोर में इजाफा 14 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज शाहिद जो कि इसी ओवर में आउट हुए थे। जावेद भाई काफी जल्दी जल्दी बॉलिंग करते हैं, राउंड द विकेट आए हैं बॉलिंग करने और ये शायद वाइड गेंद होगी, जी बिल्कुल वाइड गेंद है। पंद्रह रन हो चुका है अभी तक और जावेद भाई की ओवर जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अच्छा शॉट वहां पे कवर की तरफ निकाला गया, एक खूबसूरत सिंगल,
खूबसूरत शॉट पे खूबसूरत सिंगल, इसी के साथ स्कोर में इजाफा 16 रन हो चुका है। दूसरा ओवर जारी है, आखिरी दूसरे ओवर का आखिरी गेंद हो रही है, 4 रन, लाजवाब शॉट, वन बाउंस बाउंड्री के बाहर, स्कोर हो गया है 20 रन हो चुका है दो ओवर के बाद। हेलो 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 और इधर सलमान खान की विकेट गिरते हुए, और ये तीसरा ओवर जारी है। ऑफ साइड में मारना चाहते थे, लेग साइड में गई है गेंद, रन आउट की अपील, करीब करीबी मामला हो सकता है, लेकिन अंपायर ने रन आउट दिया। काफी स्पेशल अंपायर है हमारे, अभी तक जितने भी डिसीजन दिए हैं सब एक से एक आला था, कोई गलत डिसीजन नहीं। जबकि यहाँ पे थर्ड एम्पायर का भी इंतजाम है, आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कैमरे लगे हुए हैं, ये मैच आप लाइव भी देख सकते हैं अपने घर पे बैठे हुए, यूट्यूब पे इसका बंदोबस्त किया गया है। स्कोर हो चुका है और ये अजीबोगरीब तरीके से आउट होते हुए बल्लेबाज आतिफ। किसी जमाने में काफी खतरनाक खिलाड़ी हुआ करते थे हमारे रफीक भाई, चौके पे थोड़ा हटने बोल दो, एक के बाद एक चौका लगाने की इनकी काबिलियत थी। चौके पे गेट के पास जितने लोग भी खड़े हैं बराए मेहरबानी आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, तो बाउंड्री जो है बाउंड्री से थोड़ा पीछे हो जाएं आप लोग, और कुछ उसी तरीके से बैट घुमाते हुए रफीक भाई, लेकिन बॉल बल्ले पे नहीं आई। स्कोर कितना हुआ, स्कोर 25। और इसी के साथ तीसरा ओवर समाप्त होते हुए अब इस मैच का आखिरी ओवर देखते हैं डालने कौन आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा चौथा साल है लगातार इस एपीएल का, अचानक नगर प्रीमियर लीग, और हमारे सबके प्यारे नगर सेवक अशरफ भाई आजमी की तरफ से ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। और ये पहली गेंद वाइड, स्टंप सीधा कर लो,
एक और वाइड गेंद और उसके ऊपर एक रन और निकालते हुए। स्टंपिंग की अपील की गई है और देखना है कि क्या है, ये आउट है कि नॉट आउट है। हमारे आसिफ भाई और हैदर भाई बात करते हुए आपस में, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं दोनों, काफी मैचेस खेल चुके हैं और ये आउट का निर्णय दिया उन्होंने। काफी सालों से खेल रहे हैं दोनों के दोनों खिलाड़ी, हमारे आसिफ भाई और हैदर भाई लगभग 10 सालों से तो हम ही देख रहे हैं इनको खेलते हुए। और अब हमारे लाली भाई आ गए हैं बल्लेबाजी करने। आखिरी ओवर की 5 गेंदें बाकी हैं, स्कोर काफी तेजी से बढ़ता हुआ और ये एक और वाइड गेंद। रहीम की गेंद अभी तक कीपर के हाथ में ही आई है, जितनी भी उन्होंने डाली है पिच के ऊपर टप्पा नहीं खाया अभी तक। और ये डॉट बॉल, और एम किए गेंद और एक और वाइड गेंद, लेकिन इस बार स्टंप होते हुए लाली। और हमारे अकील भाई एंट्री करते हुए मैदान में, और खान भाई आ गए बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद बाउंड्री पे, अजीज की वहां पे शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन एक रन निकालने में कामयाब हुए बल्लेबाज। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर हो चुका है 31। आखिरी ओवर जारी है और यह सूझबूझ से खेलते हुए एक रन निकाला, चार आंखों से खेलते हुए यह बल्लेबाज। और खान भाई एक बार वापस से स्ट्राइक पे, 32 हो चुका है स्कोर, आखिरी ओवर चालू है, 2 गेंदे और बाकी है इस ओवर में। और ये वाइड बॉल और उसके ऊपर एक रन बाई मिल गया है, 34 हो चुका है स्कोर। जावेद भाई परेशानी में, समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करें, कभी दिमाग खुजा रहे हैं तो कभी कुछ और खुजा रहे हैं। और ये अच्छा शॉट, लेकिन एक रन और दूसरा रन भागने में भी कामयाब हुए। स्कोर 36 हो चुका है और 37 एक ही है अभी का, एक ही है और 36 बनाने हैं। एक्स्ट्रा की जल्दी से जल्दी चालू करवाएं। अभी का कोई रन नहीं है। कितना बनाना है सामने वाली टीम को कितना बनाना है, सेकेंड इनिंग में कितना चेस करना है। 34 35, 4 ओवर में 35 बनाना है। तो जैसे कि हमने कहा था कि हमारे साथ में एक अंग्रेजी कमेंटेटर जुड़ने वाले हैं ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वाकालुका बंगाली। 35 टू विन, दिस इज द हाईएस्ट स्कोर इन दिस ग्राउंड इन दिस सीजन। माय गुडनेस, व्हाट दे हैव डन। यहां बड़ों की बात हो रही है, यहां बच्चों की बात नहीं हो रही है, बच्चे तो हमेशा कमाल। और अजीज भाई काफी टेंशन में, कैसे बनेंगे 35 रन यही सोच रहे हैं। जावेद भाई भी टेंशन में, शायद किया पहली गेंद,
लेग साइड में उसको ग्लांस किया रहीम ने और एक रन आसानी से मिला, पर एक एक से काम चलेगा नहीं, इनको बीच में चौकों की बाड़ भी लगानी पड़ेगी, चौकों की लड़ी लगानी पड़ेगी राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए। बॉलिंग रनअप में थोड़ी सी परेशानी, वापस जाते हुए अपने बॉलिंग रनअप पे हमारे हरे भरे अंपायर उनको देखते हुए, और शायद कि इस गेंद पे ओ कैच ड्रॉप हुआ है। यह बॉल डायरेक्ट बाहर जाने वाली थी, लेकिन जैसे कि उनका हाथ लग गया है सलमान का, तो एक रन मिलेगा इस गेंद पे। दो गेंदों के बाद स्कोर हुआ है दो रन बिना किसी नुकसान के। चार ओवर में इनको 35 रन बनाने हैं। और ये अच्छा शॉट, आसानी से लिया एक रन, दूसरे रन के बारे में सोचेंगे नहीं। तीन गेंदों में तीन रन हो चुके हैं। हमारे वसब भाई काफी वसब से खेले, अभी कीपिंग कर रहे हैं। फिर से बॉलिंग में बॉलिंग रनअप में कुछ परेशानी झेलते हुए शायद राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग करेंगे रहीम को। तीन गेंदों में तीन रन आ चुके हैं और अच्छा शॉट वहां पे और अच्छी लाजवाब फील्डिंग, लेकिन फिर भी एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। चार गेंदों में चार रन हो चुका है, 35 रन बनाने हैं चार ओवरों में। और ये अच्छा शॉट और चार रन के लिए, ये दंदनाता हुआ चौका, ये इनके हौसलों को नई उड़ान देगा, ये इनका हौसला बुलंद करेगा कि हम भी इस मैच को जीत सकते हैं। हमारे जाहिद भाई के मुंह पे मुस्कान आते हुए और अच्छा ग्लांस, उसको थर्ड मैन की तरफ खेल दिया है एक रन के लिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 9 रन बिना किसी नुकसान के। जीतने के लिए उनको 35 रन बनाने हैं, तो तीन ओवर में 26 रन और बनाने हैं उनको। और दोनों बल्लेबाज काफी सूझबूझ से खेलते हुए, हमारे लाला भाई, लाला जैसे कि आप, और हमारे रहीम भाई, और हमारे नए बॉलर आ गए हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि सो के उठे हैं अभी, अंशेव आ गए हैं एकदम। कुछ राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे और पहली बॉल ही डॉट, काफी तेज बॉलिंग करते हुए। पहली बॉल डॉट, दूसरी गेंद डालेंगे राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए, अच्छा शॉट वहां पे, लेकिन एक रन से ही अपने आप को तसल्ली देनी होगी। इसी के साथ डबल डिजिट में पहुंचता हुआ ये स्कोर, 10 रन जीतने के लिए 35 बनाना है। दूसरा ओवर जारी है, 16 गेंदे बाकी हैं और 16 गेंदों में इनको 25 रन और बनाने हैं। तो वाकालुका आ चुके हैं हमारे साथ में, ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वाकालुका, हाउ इज दिस मैच गोइंग? वाकालुका कुछ बोलने के मूड में नहीं है। वाकालुका काफी हंसते हुए, और ये इस ओवर की तीसरी गेंद, अच्छा शॉट वहां पे, और मिस फील्डिंग की वजह से एक रन मिला, स्कोर में इजाफा, स्कोर हो गया है 11 रन। तीन गेंदें हो चुकी इस ओवर में, काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए। और लाला भाई जैसे कि आप जानते हो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, हर मैदान पे इन्होंने शतक लगाया है, कहीं भी खेलते हैं तो आला खेलते हैं, और तारीफ लगता है नजर लग गई। इसी के साथ लाला भाई आउट होते हुए, और अब आए हैं बल्लेबाजी करने, वन डाउन आ रहे हैं राकिब, ये भी काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बल्लेबाजी काफी बेहतरीन करते हैं, काफी तेज तर्रार शॉट लगाते हैं, और उसी तेज तर्रार शॉट की दरकार है इनकी टीम को जीतने के लिए 35 रन बनाने हैं। दूसरा ओवर जारी है, स्कोर 11 रन हो चुका है, बॉलर की आंखों में अंगारे, और स्टंपिंग का चांस मिस हुआ यहां पे, ये दूसरा विकेट हो सकता था। राकी भाई बीट हुए, कीपर भी बीट हुए, और दोनों की बीट में कोई रन नहीं, नुक्स 11 रन हो चुका है, और अच्छी तरीके से उसको पॉइंट की तरफ खेल दिया है एक रन के लिए। एक एक रन से काम नहीं चलेगा, इनको चौके हर ओवर में लगानी होगी।
क्योंकि स्कोर काफी बड़ा है, 35 रन बनाने हैं इनको, सिर्फ 12 रन हो चुके हैं। काफी टेंशन में है जावेद भाई और हमारे अजीज भाई काफी टेंशन में हैं। कोई सर खुजा रहा है तो कोई कुछ खुजा रहा है। क्या होगा इस मैच का, इसका हाल हम आपको बताएंगे। आप इस मैच को अपने घर में बैठ के भी देख सकते हैं, ये लाइव आ रहा है आपके घर पे, आपके मोबाइल में, यूट्यूब चैनल पे। आपको सिर्फ और आपको सिर्फ SSSS और ये तीसरी ओवर की शुरुआत में एक रन लिया पहली गेंद पे, स्कोर में इजाफा 13 रन हो चुका है, 22 रन और चाहिए, 11 पे 22, हर गेंद पे 2 रन चाहिए। लेकिन आप जैसे जानते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस ओवर में अगर 2 चौके लग जाए तो शायद, और देखते हैं क्या होता है। और ये वाइट बॉल, और एक रन और लेना चाहते थे, लेकिन भाई भागना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाया, स्कोर में इजाफा, स्कोर हो चुका है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज लाला, जिन्होंने चौका लगाया था पहले ही ओवर में, और अच्छा शॉट वहां पे, बाउंड्री पे गया है बॉल और मिसफील्ड हुई वहां पे, और ये 4 रन। अभी अभी बोल नहीं सकते हैं कि इन्होंने ये चौका छोड़ा है कि मैच छोड़ा है, क्योंकि काफी रन चाहिए, अभी भी 18 रन 17 रन की दरकार है। 10 गेंदों में 17 रन बनाना आसान नहीं होता बॉक्स मैच में, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे जावेद भाई की मुंह पे मुस्कान आते हुए, और ये एक और अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पे, रनआउट की अपील और हमारे हरे भरे बल्लेबाज ने डट आउट कहा। अच्छी फील्डिंग वहां पे सलमान भाई की। तीसरा ओवर जारी है, शायद की गेंद और एक रन के लिए भागते हुए, बड़ी मुश्किलों से एक रन मुकम्मल किया। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर हो चुका है, उन्नीस रन हो चुका है। राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए बाउंड्री तक गया है ये गेंद, एक रन मिलेगा वहां पे, एक एक रन से काम नहीं बनेगा, चौके की जरूरत है। अब तीसरा ओवर भी समाप्त हो चुका है, 20 रन हो चुके हैं, एक ओवर में जीत के लिए 15 रन, सॉरी तीसरा ओवर अभी भी जारी है। और ये वाइट बॉल, और इसी के साथ स्टंप आउट होते हुए 21 रन हो चुका है। बल्लेबाजी करने आ गए हैं इस टीम के कप्तान। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 21-35 बनाना है, 14 रन चाहिए एक ओवर में। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं साउथ अफ्रीका से वाकालुका, आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं। और हमारे जावेद भाई आ गए हैं बल्लेबाजी करने, इस टीम के कर्ता धर्ता, इस टीम के कप्तान। इस टूर्नामेंट को कराने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, ये हमारे स्पॉन्सर भी हैं। और हमारे सुफियान भाई आके बोल के गए कि अगर जावेद भाई ने चौका लगाया तो उनको 1000 रुपया इनाम है। और अच्छा शॉट वहां पे, लेकिन अच्छी वैसी बेहतरीन फील्डिंग और रनआउट की अपील की गई है हमारे हरे भरे अंपायर ने, मुंडी हिलाते हुए नट आउट का है। आप जैसे कि जानते हैं कि उनके मुंह में नहीं, आउट दे दिया, मजाक कर रहे थे। हमारे जावेद भाई स्ट्राइक पे हैं। सबसे खास बात यह है कि हमारे जावेद भाई स्ट्राइक पे हैं। इस मैच का नक्शा अगर कोई बदल सकता है तो वह यही बल्लेबाज है। और अजीज भाई नॉन स्ट्राइक पे हैं। खान भाई आके बोलते हुए कि अगर अजीज ने 1 चौका मार दिया है तो उनको 100 रुपया इनाम। मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने 101 चौका मारा तो मेरे तरफ से 500 रुपया इनाम। 4 गेंदे बाकी है और अजीज का अच्छा शॉट वहां पे, और एक ही रन मिलेगा, एक रन और।
सौ रुपए से हाथ धो बैठे हमारे अजीज भाई। हमारे अजीज भाई काफी गुस्से में, और हो क्यों नहीं, 600 रुपया जीतने का उनका मौका था। यहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं कि हमको अजीज भाई वापस चाहिए, हमको अजीज भाई वापस चाहिए, अजीज भाई वापस आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और जावेद भाई ने अपनी कुर्बानी दे दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया अजीज के लिए। बहुत बड़े बैट्समैन है अजीज भाई, बहुत बड़े, इतने बड़े के बोल नहीं सकता हूं मैं। सुफियान ने कहा है कि अगर चौका मारते हैं अजीज भाई तो 100 रुपए का इनाम है, और मां कसम ये तो इन्होंने 6 मार दिया है। अजीज भाई ने 4 नहीं 6 मार दिया है। वाका लुका